इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडिटी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमटी मेडिटी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वेलोज डी कैप्सूल्स के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। इस वीडियो में वेलोज डी किन किन बीमारियों को ठीक कर सकता है, किन किन इमरजेंसी कंडीशंस में इसको यूजेस लिया जाता है, इसको यूजेस करने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इसको यूजेस करने से पहले क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ये जो वेलोज डी है, ये एक ब्रांड नेम है। इसी ब्रांड नेम में इसके अंदर जो कंटेंट सॉल्ट होगा, उस कंटेंट सॉल्ट में और क्या क्या ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। वेलोज डी कैप्सूल्स, जिसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। इस पर्टिकुलर ब्रांड नेम की जो प्राइस हो सकता है पर टैबलेट की, मैं प्राइस बता रहा हूँ, 20 से लेकर 25 रुपये के बीच में आपको प्रत्येक टैबलेट, एक एक टैबलेट बहुत ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा महंगा टैबलेट्स आते हैं। इसके अंदर जो कॉन्टेंट सॉल्ट है, पहले जो इंग्रीडियंट्स मौजूद है वो है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन 30 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में इस पर्टिकुलर एक कैप्सूल्स के अंदर मिलाया जाता है। दूसरे जो इंग्रीडियंट्स है वो है रेबीप्राजोल 20 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में एक कैप्सूल्स में मिलाया जाता है। आप जान लेंगे ये कॉम्पोजिशन का काम क्या है। डोमपेरिडोन जो पहले इंग्रीडियंट्स है उसके, वो होता है एक प्रोकाइनेटिक तथा एंटीमेटिक ड्रग, जो शरीर में जाके वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी, मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम को रोकता है। दूसरे जो इंग्रीडियंट्स है रेबीप्राजोल, वो एक पीपीआई मेडिसिन है, यानी प्रोटोन पम्प इनहिबिटर मेडिसिन, जो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस रेबीप्राजोल का यूजेस लिया जाता है। ये जो मैं दो कंपोजिशन बताया, इस कंपोजिशन में जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। वेलोज डी ही लेना होगा, इसमें कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ब्रांड नेम के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। सबके काम एक ही होगा। जैसे कि रेबिकाइन डीएसआर मिल सकता है, रैबलेट डी मिल सकता है, ऐसे ही बहुत सारा ब्रांड नेम है जो मार्केट में मिल सकता है रेबीप्राजोल और डोमपेरिडोन की कंपोजिशन में। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, उसके अंदर डोमपेरिडोन 30 mg, रेबीप्राजोल 20 mg होने से उसके काम एक ही होगा। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इसको यूजेस लिया जाता है डॉक्टर द्वारा GERD की समस्या को ठीक करने के लिए, यानी गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके फुल फॉर्म है, उस प्रॉब्लम को, एक एसिडिटी और गैस्ट्रिक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए इस कैप्सूल का यूजेस लिया जाता है। हार्ट बर्न यानी सीने में जलन ड्यू टू एसिडिटी, यानी एसिडिटी के वजह से जो सीने में जलन होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए। पेट में जब दर्द होता है गैस्ट्रिक और एसिडिटी बनने की वजह से जो दर्द होता है, उसको सॉल्व करने के लिए। मुख में काटे डाकारे आना, उसको सॉल्व करने के लिए। इनडाइजेशन के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इरिटेशन फील हो रहा हो गैस्ट्रिक और एसिडिटी के कारण से, बहुत सारा पेशेंट को इरिटेशन फील होता है, उसको सॉल्व करने के लिए। कभी कभी एंटीबायोटिक्स चलने के साथ साथ एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, उस एंटीबायोटिक के साथ भी इस कैप्सूल्स को लेने की सलाह दी जाती है। पेन किलर कैप्सूल्स खाने के बाद भी एसिडिटी और गैस्ट्रिक इरिटेशन बन सकते हैं, तब भी डॉक्टर द्वारा सुबह खाली पेट एक कैप्सूल्स, इस कैप्सूल का लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे यूजेस है। अब मोटा मोटी एक चीज ध्यान में रखिए, एसिडिटी और गैस्ट्रिक से जुड़ी हुई हर प्रकार की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा दवा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन इसको लेने के बाद भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। कुछ मेडिसिन का इफेक्ट रहता है तो उसका साइड इफेक्ट भी रहता है। इसके साइड इफेक्ट में से ज्यादा दिन ज्यादा मात्रा में लेने पर मुखों में सूखा सूखापन, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, डायरिया हो सकता है किसी किसी को, और भी बहुत सारा साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि ब्लार विजन दिखा सकता है, वीकनेस लग सकता है, और भी बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है जो हो सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजरेबल साइड इफेक्ट्स मिले, आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं इस मेडिसिन का डोज। डोज हमेशा, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करके ही डॉक्टर जांचने के बाद कुछ भी मेडिसिन का डोज निर्धारण करता है। खुद से कुछ भी मेडिसिन ना लीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लीजिएगा,
क्योंकि डॉक्टर आपको अच्छे से जांचता है, उसके बाद ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। आजकल आपका कौन सा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही वही मेडिसिन दिया जाता है। जो डॉक्टर के नॉर्मल रिकमेंडेड डोज होते हैं, एक एडल्ट व्यक्ति को हर दिन एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। उसके रोग के गंभीरता अनुसार उसको लॉन्ग टाइम तक चलाया जा सकता है। किसी किसी को 3 से लेकर 5 दिन दिया जाता है, उसके प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो और नहीं दिया जाता है। किसी किसी को लॉन्ग टाइम तक यानी 15 से लेकर 1 महीने भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। सुबह खाली पेट एक कैप्सूल लेने से ही बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, दूसरे बार नहीं लेने पड़ते। कभी कभी SOS कंडीशन में एक बार दिया जा सकता है, जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन हो रहा हो, एसिडिटी और गैस की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पेट की गड़बड़ी दिखाई जा रहा हो, तब इस कैप्सूल्स को SOS कंडीशन में जब जरूरत होते हैं एक कैप्सूल्स लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों ये जो डोज है, ये डोज नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है, ये आपको लेने की सलाह नहीं है। डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा कुछ भी मेडिसिन यूज करना। दोस्तों डोज जानने के बाद जान लेंगे इसको लेने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ये जो कॉन्टेंट्स दो मैंने बताया, रेबीप्राजोल और डोमपिरिडोन, इसके कॉन्टेंट से पहले भी कोई एलर्जिक रह चुका हो उनको नहीं दिया जा सकता। बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी किसी के जान भी जा सकता है। 15 साल से नीचे बच्चों को इस कैप्सूल्स को नहीं दिया जा सकता, उनके लिए अलग फॉर्म में आते हैं, ये कैप्सूल्स नहीं दिया जाता है। और जिनके सीवियर किडनी डिजीज के समस्या हो उनमें नहीं दिया जा सकता। और भी बहुत सारा कंडीशंस है, जैसे कि प्रेगनेंसी में दिया नहीं जा सकता। ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसके साथ इस मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता, वो डॉक्टर जांचने के बाद ही इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वेलुस डी के बारे में यानी रेबीप्राजोल और डोमपिरिडोन के जो कंपोजिशन में मेडिसिन आता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड कुछ भी वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।